ओह गाइस वेलकम टू अ न्यू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त अल्ताफ शहजादा और आज हम आए हुए हैं पतंग उड़ाने और बहुत लेट पहुँचा। भतीजा काफ़ी देर से पतंगबाजी कर रहा और भतीजे की पतंग है जस्ट ये वाली जो सबसे ऊपर है। अब भतीजा आपको कुछ पेच लड़ा के दिखाएगा। चलो भाई भतीजे रेडी, तेरा व्लॉग बन गया। और काला सोना का मांझा लेकर आया था मैं कल, उसी को ट्राई करने के लिए भतीजे से पतंग उड़ाई है। मैं तो काम के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं बिल्कुल जस्ट अभी आया हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। और ये देखिए भतीजा, पतंग भी इसकी खास ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक काट दिन नहीं ये जा रही। चल 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 चलो, दूसरा लड़ाने जा रहा भतीजा बिल्कुल बेवकूफ़ी से, दूसरी भी ना काट दी। ये देखिए ये चूरन के पतंगबाज हैं, ये बच्चे बच्चों से लड़ाते हैं लेकिन अपना दिल नहीं करता बिल्कुल भी। ये देखिए जस्ट बराबर में खड़े हैं, बहुत धुआंधार पतंग उड़ा रहे हैं ये भी काफ़ी देर से। और एक भाई ये खड़े हुए, ये भी बहुत बड़े सर के दर्द हैं। क्या कह रहा हो भाई, लड़ाओ बेटा इनसे लड़ाओ। दूवर दू का पेज लड़ाते हैं, ऐसे नहीं लड़ाते। बकरीपन से कोई लंबी कर रहा है उसकी काट दी, सही तरीके से पेज लड़ाओ। डोर को पतंग को लंबी करो। गाइस मैं पतंगबाजी इसलिए भी नहीं कर रहा था, मैंने अपने दोस्त को बोल रखा था कि भाई मुझे वही वाला मांझा चाहिए, तो उसने ला के देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। और उसका भी रिव्यू आपको देंगे अगर टाइम मिला तो। आजकल टाइम भी नहीं है, काफ़ी काम आया हुआ है, 3-2-2 के 10 केज आया हुआ है, उसका भी ऑर्डर है, उसकी भी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। और ये देखिए भतीजे जो है ना बिल्कुल, भतीजा जो है ना बिल्कुल बेवकूफ़ी से पेज लड़ा रहा है और अपना मन नहीं कर रहा इस टाइम पतंग उड़ाने का, काफ़ी थका हुआ हूँ। बेटा डोर लंबी करो पतंग को, देखो ये आ रहा तुमसे लड़ाने, इधर आओ। और कुछ कुछ अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ये जस्ट लगभग इनकी मुठभेड़ होने वाली है। बेटा नीचे का मुड्डा रख, बुड्ढा बनाओ, खींचो, बहुत बढ़िया कट गए तुम, और तुमसे यही उम्मीद थी। और भतीजा पतंग कट गया, कोशिश करता हूँ मैं उड़ाने की। स्टार्ट। देखिए गाइस ये वही महिंदर भाई वाली पतंग है जो मैं बाजार सीताराम से लाया था, ये रही उनकी थोड़ी सी पहचान चिटकी ये रही। और छत पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, अभी इसके कन्ने बांधूंगा मैं और कन्ने बांधने के बाद उड़ाऊंगा, लेकिन आसमान पे पतंग इतनी दिख नहीं रही। बाकी मैं पूरी पूरी कोशिश में हूँ कि बढ़ाऊँ पतंग को। यार क्यों बाजी में मैंने कन्ने बांधे, ये देखिए अब जैसे भी बने। और पतंग भी बहुत कम उड़ रही है आगे, तो देखते हैं क्या होता है। और मेरी कुछ पतंगें सील भी गई हैं, जब मैं महेंद्र भाई से लाया था तो बहुत अच्छी हो रही थी ये और बहुत बढ़िया उड़ रही थी, लेकिन अब ये जो है ना बारिश की वजह से सील गई, क्योंकि दिल्ली में लगातार 3 दिन से बारिश ही पड़ रही है। मैंने इन्हें बहुत संभाल के रख रखा था, दिखाओ उधर ये देखिए, लेकिन उसके बाद भी जो है ना ये सील गई, तो करते हैं चेक। पतंग की तरफ दिखाओ बेटा, अभी तक तो सही जा रही है पतंग, और बस महेंद्र भाई की पतंग होती है ना बहुत जान की होती है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा हवा की जरूरत होती है। और आज डे है मंगलवार का और हवा बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो। और भतीजा भी पतंग कटा था, जिससे कटा था उसकी काटने की कोशिश करेंगे। और महेंद्र भाई की पतंग अब भी है तो ठीक ठाक, लेकिन काफी हद तक
सील गई और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे सही करके पैक करके बैग के अंदर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने आलकसी के चक्कर में और थोड़ा बिजी होने की वजह से रख रखी थी ऐसे ही। आराम आगे आप मेरी जरूरत नहीं। और गाइस पता नहीं क्या बात है, जब भी मैं पतंग उड़ाता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि यार बच्चों की ना काटूँ, और मैं काटता भी नहीं। मैं बच्चों से अपनी पतंग कटवा लेता हूँ लेकिन मैं काटता नहीं, लेकिन अब बच्चे कुछ ज़्यादा ही दुख देंगे। जैसे कि एक हो गई, दो कटी के साथ अभी गाइस आसमान पे कोई पतंग नहीं है और रात में काइट फाइटिंग हो रही है। थोड़ी थोड़ी पतंगें आपको दिख रही होंगी वीडियो के अंदर। और देखिए अब नेक्स्ट पेज लड़ाने जा रहा हूँ मैं हेरा, ये भी कोई अपनी टक्कर का हो तो मज़ा आएगा, वरना तो मेरे हिसाब से पूरा अंधेरा हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ से उड़ा रहा कहाँ से नहीं। तो अभी के लिए मैं इस पतंग को उतार लूँगा। एक बार मेरी खींच दिखा दो भाई, मेरी YouTube फैमिली को मेरी खींच दिखाओ। तो ये देखिए गाइस हाथ पे भी मान जाए, ये लगभग ये देखिए पतंग की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, थोड़ी ढीली पड़ गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।